जल्दी उम्मीद है, मैं तो कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे एक रोमांटिक सॉन्ग गाने को मिले फिल्मों में। मैंने एक अपनी रिसेंटली अपना एक एल्बम या सिंगल कह लीजिए लॉन्च किया था, जिसका नाम था माहिया तू ही तू, एक ही गाना था और क्रिसेंडो म्यूजिक ने उसको रिलीज़ किया था। तो इट वॉज माई कंपोजिशन, इट वॉज माई थिंकिंग, माई थाट कि जैसे आपने कहा कि रोमांटिक सॉन्ग कब सुनेंगे, तो मैं यही लोगों को बताना चाहता था कि मैं सिर्फ अमन त्रिखा, सिर्फ हुक्का बार या बहू गोविंदा या हार्ड हिटिंग पैपी अब भी नंबर्स गाने के लिए सिर्फ सक्षम है, ऐसी बात नहीं है। मैं दूसरे भी गाने गाता हूँ जो कि सुरक्षित्र में सब लोगों ने देखा था, सुना था, और यही लोगों को बताने के लिए मैंने इस सिंगल और इस गाने का जो था रिलीज़ कराया और इस गाने को बनाया और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जितने लोग ज़्यादा समझेंगे, जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे, उतना लोगों को भी पता चलेगा कि वही बंदा है जिसने हुक्का बार गाया और ये अब ऐसे गा रहा है। तो तभी वो वैरायटी लोगों को रोइन समझ में आएगी, लोगों को वर्सेटैलिटी और यूनिकनेस आवाज़ की समझ में आएगी। और इनफैक्ट इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज सिंगर्स हैं, बहुत लोग हैं और जिन्होंने गाना सुना और लोग बिलीव नहीं कर पाए, उन्होंने मेरे को मैसेज किया होगा दो तीन चार बार कि अमन ये तुम्हारा ही गाना है ना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है तुम गा रहे हो, क्योंकि एकदम डिफरेंस है जो आपके गाने हिट हुए हैं, जो गाने आपके मार्केट में अभी तक आए हैं, जो आवाज़ हमने सुनी है। क्योंकि लोग तो जो गाने सुनते हैं वो फिल्मों के गाने ही सुनेंगे, क्योंकि मैं घर में क्या गा रहा हूँ या कहीं और स्टूडियो में क्या गा रहा हूँ, जब तक रिलीज़ नहीं होता है तब तक सुनाई नहीं देगा। तो लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से सराहा था उस गाने को, माहिया तू ही तू। गाना ही ऐसे है, इसमें सारे सुभाष जी की जितनी हिट फिल्में हैं उसका, उसके भी गाने के लिरिक्स लिए गए हैं और जितने भी मैंने गाने गाए, ये गाने हैं वैसे सोनू का गाना है ये दिल दीवाना, और कुमार शानू का गाना है दो दिल मिल रहे हैं, बाकी जितने भी और भी जितने हिट्स हैं उनके, रमता जोगी ताल का, तो रमता जोगी कंबल के नीचे, दिल दीवाना कंबल के नीचे, नाना जवान हुए नानी दीवानी हुई, बहुत सारा, बहुत ही क्रेजी सॉन्ग है, जैसे एक आजकल के टाइम का एक आइटम नंबर एक डिमांडेड होता है, तो वैसा गाना है। और मतलब पहली बार एक है, एक रिकॉर्ड ही है कि मैंने 10 या 11, ये तो 5-6 जो आप गाने सुन रही हैं, और भी 10-11 गाने हैं इसमें, इसी गाने के अंदर 10-11 गाने हैं जिसमें मैंने वॉइसेस की हैं। तो एक सिंगर के लिए भी 11-12 वॉइसेस मैंने दी हैं अलग अलग, आपको लगेगा ही नहीं कि एक ही बंदा ऐसे वॉइसेस दे रहा है, तो काफ़ी चैलेंजिंग था बट इट वॉज फन, मुझे मज़ा आता है ऐसे चैलेंजिंग काम और चैलेंजिंग गाने गाने के लिए। म्यूजिक कंपोजिशन तो अभी काफ़ी मैं समझता हूँ टाइम है उसे, क्योंकि राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग एज अ प्लेबैक सिंगर, एज टू सिंग फॉर एज मेनी एज फिल्म्स, जस्ट एज अ सिंगर। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है कि किसी प्रोड्यूसर या किसी एक्टर को अच्छी लगती है मेरी कंपोजिशंस, या कुछ लोग सुनते हैं मेरा कुछ जो कंपोज किया हुआ और उनको अच्छा लगता है और वो यूज़ करना चाहते हैं, तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं फिलहाल अपने आप को पिच नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट अ सिंगर और बहुत गाना है मुझे, बहुत काम करना है इंडस्ट्री में। और जितने लोग आप बोल रहे हैं, जितने कंपोजर हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, मुझे हर कंपोजर के साथ काम करना है इंडस्ट्री में, जितने भी, चाहे न्यूकमर हो चाहे काफ़ी वेटरन हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और नेमली साजिद वाजिद, प्रीतम दा, मिथुन, सचिन जिगर, और सबसे बड़ा जो मेरा सपना है रहमान साहब के लिए गाना, क्योंकि सुरक्षित्र में मुझे याद है कि इमेज जी ने बोला था कि बेटा तू रहमान साहब के गाने गा, तू ऐसा एक सिंगर है जो रहमान साहब के गाने बहुत टफ होते हैं लाइव गाने, और उनको वैसे ही रिप्रेजेंट करने, क्योंकि बहुत सारी वॉइसेस होती हैं या बहुत सारे चीज़ें रहमान साहब यूज़ करते हैं जब एक गाना बनता है, और उनकी पिच, उनका रेंज भी बहुत ऊंचा है जब वो गाते हैं, तो उनके गाने लाइव पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने मुझमें ऐसे ही लिखा था, क्योंकि फर्स्ट गाना मैंने जब गाया था सुरक्षित्र में वो साडा हक रॉकस्टार का था, फिर नादान परिंदे, फिर जो भी मैं रॉकस्टार का तो पूरा एल्बम मैंने गा दिया था वहाँ, और इन एडिशन टू दैट बाकी बहुत सारे सतरंगी रे, इन लम्हों के दामन में, साथिया, लुक्का छुपी, रहमान साहब का, और बहुत सारे रहमान साहब के काफ़ी गाने थे, 25 एपिसोड्स में से मैंने 11-12 एपिसोड्स में रहमान साहब के ही गाने गाए। तो मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है, दिल से एक दुआ है और दिल से एक प्रेयर है कि रहमान साहब के लिए मुझे गाने के लिए कॉल आए या मुझे वो बताएं कि क्या करना है, गाना गाना है और ऐसा कुछ है, मुझे वॉइस टेस्ट भी कर लें एक बार, तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए।
मैं इतना बड़ा तो अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ और हमेशा छोटा ही रहूँगा जितने भी दिग्गज हैं साथ सामने और जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं। तो सीखता चला आ रहा हूँ सब लोगों से, तो सीखते चले आइए, सीखते रहिए। मेरी ये एक एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ फेलो कंपेनियन, एक सजेशन, एक एडवाइस, एक टोकन ऑफ लव कह लीजिए कि सीखते रहिए हमेशा। टू नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज देर इज नेवर एन एंड। आप अगर जिस दिन सोच लेंगे कि मैंने बहुत सीख लिया है, मुझे बहुत कुछ आता है, तो दैट मीन्स नियर इज एंड, द एंड इज नियर आई शुड से, लाइक बिकॉज बहुत कुछ, इट्स लाइक एंडलेस, इट्स लाइक अ बेसलेस ओशन जिसका कोई तल ही नहीं है, एक अथाह समंदर है म्यूजिक। आप जितना डूबते जाओगे उतना आपको लगेगा अच्छा इतना गहरा है, और नीचे जाओगे इतना गहरा है, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ये सोचो, ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक परस्यू करना चाहते हैं या म्यूजिक में आना चाहते हैं, तो कभी हताश मत होइए। लाइफ आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज देगा, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ, बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी कि चांसेस नहीं मिल रहे, बट नेवर गिव अप, जस्ट फॉलो योर हार्ट, दैट्स व्हाट आई थिंक।